नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के प्रमुख 150 प्रश्नों का पार्ट दूसरा, जिसमें आपके लिए मिलेंगे 151 से 100 तक के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से पहला प्रश्न 51 से स्टार्ट करते हैं। 51वां प्रश्न है, यदि किसी पारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को कहा जाता है अर्धचालक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरण की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों, कहते हैं इसको हाइग्रोमीटर से। आप कह सकते हैं हाइग्रोमीटर से सूर्य की किरण की तीव्रता मापी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पिछली स्लाइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या फिर वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, यह किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में जो हेडलाइट लगी रहती है, पीछे का दृश्य दृश्य देखने के लिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों, यह बेंजामिन फ्रेंडली ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? दोस्तों, यह आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाप व्यंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर्स के अंदर उच्च दाब के कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है दोस्तों? यह उच्च दाब के अंदर उच्च ही होगा। ठीक है, क्या होगा? उच्च होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ क्या बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं? तो आंसर दोस्तों, यह विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं। अशुद्धियाँ जो मिलाई जाती हैं, वह विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पेरीस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो यह कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण प्रयुक्त या प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लाल रंग का क्या अधिकतम होता है? लाल रंग का क्या अधिकतम होता है? दोस्तों, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ताप युग्म ताप मापी किसके सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म ताप मापी किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर दोस्तों, यह सिरके के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड किससे मापी जाती हैं? एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड किससे मापी जाती हैं? दोस्तों, यह मापी जाती किससे? सेटरोस्कोप से मापी जाती हैं, सेटरोबो स्कोप से मापी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? दोस्तों, यह होता है संवाहन विधि के द्वारा होता है। किसके? संवाहन विधि के द्वारा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किसके प्रकार में पहुंचता है या किंच किरण पुंज है? ये दोस्तों समांतर क्रम प्रकार से पहुंचता है। किसके? समांतर प्रकार से किरण पुंज होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊष्मा गति की का प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? ऊष्मा गति की का प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? दोस्तों, यह ऊष्मा संरक्षण अवधारणा की पुष्टि करता है। किसका? ऊर्जा संरक्षण अवधारणा के नियम की पुष्टि करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रूपरेखण रखने के लिए प्रयुक्त होता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों, सोनार कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो उसका आंसर है,
या दोस्तों दूरी का मात्रक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किसके बल के कारण अलग हो जाती है, किस बल के कारण अलग हो जाती है। इसका आंसर दोस्तों यह है आपके इंद्रिय बल के कारण अलग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, या कि समुद्र में जो जहाज रहती है उसका कितना परसेंट भाग जमी यानी जल के ऊपर रहता है। दोस्तों यह जल के 1/10% भाग ऊपर रहता है, ठीक है। यानी कि यदि आपकी 10 फीट की नाव है यानी गहराई में, तो वह 1 फीट ऊपर रहेगी और 9 फीट पानी में डूबी रहेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, जेट इंजन किसके सिद्धांत पर काम करता है, जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों यह करता है रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसको नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसको नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यह वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है। दोस्तों यह फोटोन प्रकाश की है, किसकी, फोटोन की। इसके बाद अगला प्रश्न, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो लाल रंग होता है दोस्तों वह प्रकीर्णन के कारण होता है, किसके, प्रकीर्णन के कारण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, किसके द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवाहन कहलाता है, किसके द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवाहन कहलाता है। तो इसका आंसर दोस्तों है आणविक संगठन के कारण होता है, किसके, आणविक संगठन। इसके बाद अगला प्रश्न, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है, इस ऊर्जा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है। दोस्तों यह विकिरण, इसका आंसर है क्या, विकिरण आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला दोस्तों, विकिरण इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि कोई भी यहाँ वस्तु रखी हुई है तो सूर्य से जो किरणें आती हैं वह ऐसी आती हैं तो डायरेक्ट इसी पे ही पड़ जाती हैं, इसकी स्थानांतरण करने की विधि का कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सब में एक समान पहुँचती है। इसके बाद अगला प्रश्न, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के किस पर निर्भर करती है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के किस पर निर्भर करती है। दोस्तों है द्रव पर निर्भर करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यह यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यूरेनियम से विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, किसने पिघलाया था, डेबी वैज्ञानिक ने पिघलाया था, किसने, डेबी वैज्ञानिक ने। इसके बाद अगला प्रश्न, स्वचालित वाहन में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल किसके नियम से प्रयोग किया जाता है या किस नियम के सिद्धांत पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर आधारित है। यह दोस्तों वस्तुत पास्कल के सिद्धांत पर आधारित, यानी कि पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि पावर ब्रेक होते हैं भाई, किसके, पास्कल के सिद्धांत पर आधारित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में किसके कारण फट जाते हैं, तो इसलिए गर्मी के कारण फट जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, ध्वनि का प्रवाह मानव के कान में कितने सेकंड तक रहता है, दोस्तों यह 1/10 सेकंड तक रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 82वां है, सेल्सियस में माप का 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है, दोस्तों यह 300 केल्विन के बराबर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितने सेकंड का समय लगता है, यह दोस्तों 1 सेकंड का समय लगता है, लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
स्टेथोस्कोप उपकरण किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप के उपकरण किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसे डॉक्टरों के द्वारा उपयोग किया जाता है या चिकित्सकों के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेडिकल डॉक्टर व्यवसायी द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, यह पहले बता चुके हैं, स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, प्रकाशीय ऊर्जा प्रकाश वोल्टेज सेल के उपयोग से किसका रूपांतरण करने का उत्पादन है? तो ये दोस्तों सौर ऊर्जा करने का उत्पादन है, सौर ऊर्जा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? दोस्तों टंगस्टन से बना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चावल को पकाने में किस पर अधिक समय लगेगा? कहाँ पर अधिक समय लगेगा दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा, क्योंकि ऊंचाई पर अधिक समय लगता है कोई भी चीज़ पकाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो कितना होगा? 140 डिग्री होगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, नोबल पुरस्कार किसके नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी? तो दोस्तों डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने की थी। किस? ठीक है, इन्हीं के नाम पर नोबल पुरस्कार दिया जाता है प्रति वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसकी उड़ान द्वारा सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है? दोस्तों यह हवाई जहाज के उड़ान के समय ध्वनि सर्वाधिक उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण से हो जाता है? यह दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्लेड बॉडी केवल किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? दोस्तों यह उच्च तरंग दैर्ध्य को ही केवल अवशोषित कर सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न, एक गेंद को 36 से 45 डिग्री कोण पर फेंके कि यह कितनी दूरी तय कर सकेगी सके? तो दोस्तों यह अधिकतम 36। ठीक है, अधिकतम 36 पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? दोस्तों आसमान का रंग काला दिखाई देता। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन की चिप बनी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपरक्त तरंग का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है? दोस्तों यह रात्रि दृष्टि के समय किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यह उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय लगता है, कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।